नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल फ्यूचर वैकेंसी में। तो दोस्तों, एक और नई वैकेंसी की अपडेट लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूं। तो आप लोगों को यहां पर बता दूं कि यहां पर इंडियन एयरफोर्स में जो है नई वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, जो 01/2024 के लिए यहाँ पर जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है उसी के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है। इसी के ऊपर सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी जो है इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी को जान पाएँ। तो क्या कुछ होने वाला है तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ, जो कि यहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि इंडियन एयरफोर्स जो है यहाँ पर एक्स और वाई ग्रुप के लिए यहाँ पर दोनों के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो ये ऑल इंडिया वैकेंसी होने वाली है, इंडिया के किसी भी कोने से हैं तब भी आप इसके फॉर्म को जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ अग्निवीर स्कीम, और जो कि यहाँ पर 01/2024 के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट 2023 के लिए आई हुई है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्म जो है 27/7/2023 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्म जो है 27 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी लास्ट डेट की बात की जाए तो यहाँ पर 17/8/2023 यहाँ पर लास्ट डेट होने वाली है। तो जो कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है, 2023 में जो है 10+2 क्वालिफाइड किया है, वो भी कैंडिडेट्स इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं एज लिमिट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ी को लेकर, कि कौन कौन कैंडिडेट से यहाँ पर कितनी कितनी फ़ी चार्ज पड़ने वाली है। तो आप लोगों को बता दूं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो है 250 रुपये की फ़ी रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम डेट को लेकर, जो कि यहाँ पर इसके नोटिफिकेशन में मेंशन कर दी गई है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक और ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि इसके एग्ज़ाम डेट को भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, 13 अक्टूबर 2023 से यहाँ पर आप लोगों को जो है अपने एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके एज लिमिट को लेकर, कि इसके लिए क्या क्या एज लिमिट रखी गई है। तो आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर जो अग्निपथ स्कीम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है, जो यहाँ पर मिनिमम एज रखी गई है फॉर अग्निपथ स्कीम के अकॉर्डिंग, तो वो यहाँ पर 17.5 साल रखी गई है, और मैक्सिमम एज की बात की जाए तो वो यहाँ पर 21 ईयर यानी कि 21 साल रखी गई। यदि आप 17.5 से 21 साल के हैं तब आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, अदरवाइज़ आप जो है इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसके क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी को लेकर, कि क्या क्या इसमें जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके क्वालिफिकेशन को, जो कि यहाँ पर एक्स ग्रुप की बात की जाए, तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर 10+2 आप लोगों का पास होना चाहिए विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। और यहाँ पर जो है आप लोगों के इंग्लिश की, अगर सिंगल सब्जेक्ट इंग्लिश की बात की जाए, तो यहाँ पर इसमें आप लोगों के जो है 50% मार्क होने चाहिए, और अदरवाइज एग्रीगेट परसेंट की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों की जो है 50% इन एग्रीगेट इन 12th में होने चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। स्पेशली 50% आप लोगों के इंग्लिश में होने चाहिए, और जो 50% होंगे वो एग्रीगेट आप लोगों के जो है 10+2 में होने चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और करके दिया है कि यहाँ पर यदि किसी प्रकार का आपके पास जो है, यदि आपके पास किसी भी तरह का जो है 3 ईयर डिप्लोमा है, तभी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इन इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, चाहे यहाँ पर आपके पास मैकेनिकल में हो, चाहे इलेक्ट्रिकल में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, उसके बाद यहाँ पर चाहे ऑटोमोबाइल में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, और इंस्ट्रूमेंटेशन और टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ 50% मार्क एंड 50% मार्क इन इंग्लिश इन डिप्लोमा, यहाँ पर इसमें भी आप लोगों के पास जो है यहाँ पर 50% मार्क होने चाहिए। यदि आपके पास जो है यहाँ पर 2 ईयर वोकेशन कोर्स एंड नॉन वोकेशन कोर्स सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स और मैथमेटिक्स एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 50% मार्क एग्रीगेट जो है यहाँ पर 50% मार्क होने चाहिए, और स्पेशली जो है इंग्लिश में भी 50% मार्क होने चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये तो हो गया एक्स ग्रुप के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अदर देन साइंस सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर वाई ग्रुप की बात करी जा रही है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर भी आप लोगों का जो है 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर जो है 50% मार्क इन 12th होने चाहिए, उसके बाद यहाँ पर एग्रीगेट परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो इसमें भी यहाँ पर जो है आप लोगों के पास 50% मार्क होने चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है वोकेशन कोर्स 2 ईयर का मांगा जा रहा है, जिसमें कि आप लोगों के पास जो है 50% मार्क होने चाहिए एग्रीगेट एंड, और 50% मार्क इन इंग्लिश में। ये तो हो गई
बाई ग्रुप की बात। अब इसके बात कर लेते हैं अग्निवीर बायो मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो यहाँ पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए, तो जिसके लिए यहाँ पर जो है आप लोगों की हाइट की बात की जाए सबसे पहले, तो उनकी जो मिनिमम हाइट है वो यहाँ पर 152.5 सेंटीमीटर रखी गई है, जिसमें मेल फीमेल दो बोथ कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो चेस्ट की बात की गई है फॉर ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो वो यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन चेस्ट की बात की गई है। ये सारी जानकारी है। तो यहाँ पर अभी इसके जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी को यहाँ पर नहीं रिलीज किया गया है, तो ये तो आप अभी इतना ही जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है 01/2024 के लिए यहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स का बैच है वो यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो आप लोग यदि इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ पर 27/7/2023 यहाँ पर ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मिस्टेक वाइज यहाँ पर जो है 8 हो गया है, तो यहाँ पर आप 7 कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 27/7/2023 से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ये मौका आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका होने वाला है, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं वो इसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और किसी भी प्रकार का डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।